चिड़ियाघर में नए वर्ष के पहले दिन 38,000 दर्शक वन्य प्राणियों को देखने पहुंचे। इनमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक थी। इसके पहले 2008 में व्हाइट टाइगर सिद्धि के जन्म के समय 20,000 दर्शक पहुंचे थे। 1974 से अब तक दर्शकों के पहुंचने की यह सबसे अधिक संख्या है। बुधवार को चिड़ियाघर में दर्शकों की बड़ी संख्या के कारण व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। छोटे छोटे बच्चों ने जब वन्य प्राणियों को करीब से देखा तो उनकी मस्ती दोगुनी हो गई। दुनिया के सबसे छोटे बंदर ने अपनी उछल कूद से सभी का मन मोह लिया। नव वर्ष के पहले चिड़ियाघर का नजारा सुबह 7 बजे से ही बदला हुआ नजर आया। लोग सुबह से ही बच्चों के साथ टिकट काउंटर पर जमा होने लगे। सुबह 8:30 बजे काउंटर खुलते ही 4 लाइनों से टिकट का वितरण किया गया। चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि 60 कर्मचारियों को वन्य प्राणियों के कैच के बाहर व्यवस्था संभालने लगाया गया था। अब भीड़ जिस तरह बढ़ रही है और नए साल के उपलक्ष्य में संभावित थी, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार भीड़ का हुजूम बढ़ता जा रहा है, स्पेशल स्नैक हाउस को लेकर लोगों में ज्यादा क्यूरियोसिटी है और काफी कुछ जिज्ञासा लोगों में है। जो हमारे कर्मचारी लगे हैं उसको सारी चीजों को मैनेज करने में, उम्मीद है कि इस बार भी आंकड़ा 30,000 के आसपास जाएगा, 30,000 के पास ही रहेगा। और सारा व्यवस्था हम लोगों ने चाक चौबंद करके रखी हुई है। 2 नंबर गेट भी इसलिए फलना पड़ गया कि अभी 12-1 बजे से ही भीड़ का लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। शाम तक होते होते काफ़ी स्थिति और भी बढ़ेगी है, लेकिन हमारी स्थिति कंट्रोल करने के लिए, मौत को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे सारे कर्मचारी मुस्तैद हैं, सारे लगे हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी।